यूक्रेन वॉर जोन से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच ये बड़ी खबर। रूस के एक पुराने सहयोगी ने दावा किया है कि रूस में गृह युद्ध छिड़ जाएगा और इस साल पुतिन रिटायर हो जाएंगे। ये दावा सिर्फ पुतिन के पुराने सहयोगी ने नहीं बल्कि कई एक्सपर्ट्स ने भी किया है। यानी यूक्रेन के खिलाफ जंग की बड़ी कीमत पुतिन को चुकानी पड़ सकती है। क्या यूक्रेन से भी बड़ा विनाश होगा? क्या आधा एशिया युद्ध में जलेगा? क्या आधा यूरोप जंग की तबाही झेलेगा? क्या पूरे रूस में गृह युद्ध होगा? आज यूक्रेन में जो तबाही हो रही है, इस तबाही की कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। जंग लड़ने के तरीकों का ही काया पलट हो जाएगा, किसी को अनुमान भी नहीं था। यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र ज़ापोरिज़्या पर हमले होंगे, यकीन से भी परे है। उसी तरह रूस के रिटायर्ड कर्नल के इस दावे पर भरोसा करना मुश्किल लगता है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस में गृह युद्ध होगा और रूस टूट जाएगा। लेकिन एक नहीं, कई कई एक्सपर्ट्स और दुनिया भर के विशेषज्ञ ये दावे कर रहे हैं कि पुतिन चाहे कितना ही जोर लगा ले, आज भले ही पुतिन अपनी मिसाइलों की ताकत से यूक्रेन के नीले आसमान को काला कर दें, लेकिन इसका असर रूस के भविष्य को भुगतना होगा और रूस का विखंडन हो जाएगा। क्या ये सिर्फ दावे हैं या फिर इनके पीछे कोई ठोस आधार है? आखिर क्यों रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यह बयान दिया है कि 2023 में अमेरिका टूट जाएगा? आखिर क्यों रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अमेरिका का प्रांत टैक्सिस एक स्वतंत्र देश बन जाएगा? क्या यह सिर्फ दुर्भावनापूर्ण बयान है या फिर इन दावों के पीछे कोई सच्चाई है? हर सवाल का जवाब आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे रूस के एक रिटायर्ड कर्नल इगोर गिरकिन के उस बयान की जिसने पुतिन का दिल दुखा दिया है। Но если мы хотим не грохнуться в новую гражданскую войну с миллионными жертвами, это в лучшем случае миллионными, с полным развалом и дефрагментацией, да не знаю какого состояния. Илья Иванович, могу я. Когда я слышу про гражданскую войну, где вы набрали Гражданская война, Владимир Васильевич, она бывает разная. Бывают гражданские войны, которые нашу страну зимой гражданской войны за 3 дня убьют. И она закончится за 3 дня. Но страну убьют. दरअसल रूस के एक रिटायर्ड कर्नल इगोर गिरकिन ने बयान दिया है कि रूस में गृह युद्ध हो सकता है और रूस टूटकर खत्म हो सकता है। रूस के रिटायर्ड कर्नल इगोर गिरकिन ने जैसे ही ये बयान दिया, पूरी दुनिया के अखबारों में हेडलाइंस छप गई। आखिर दुनिया ने इगोर गिरकिन के इस बयान को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया?